हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस, हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज, इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत क्रिश्चियन केज और लुचासोरस ने की। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज कह रहे थे कि क्रिश्चियन केज जाना चाहते हैं कि जंगल बॉय लुचासोरस को किस तरीके के मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन केज जंगल बॉय को वो स्टैंड नहीं कर सकते। इसीलिए क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर जंगल बॉय को बुला लिया, जिसके बाद जंगल बॉय भी यहाँ पर आ गए। और जंगल बॉय के यहाँ पर आने के बाद क्रिश्चियन केज ने बात करते हुए कहा कि क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को हरा दिया था और क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय इनके बीच की राइवलरी खत्म हुई थी। पर जंगल बॉय अब भी क्रिश्चियन केज और लुचासोरस के पीछे पड़े हुए है और उन्होंने क्रिश्चियन केज और लुचासोरस को उनकी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करवा दी है। और इसीलिए क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर काफी नाराज थे। पर यही पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय ने तो लुचासोरस की सिर्फ एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करवाई है, पर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को उनकी पूरी की पूरी लाइफ कॉस्ट करवा दी है। उनका बेस्ट फ्रेंड अब जंगल बॉय के अपोजिट में खड़ा है और अब जंगल बॉय को याद भी नहीं कि उसका बेस्ट फ्रेंड था भी या नहीं। इसीलिए यहाँ पर जंगल बॉय ये सब चीज एकदम खत्म करना चाहते हैं और जंगल बॉय मेक श्योर करने वाले हैं कि क्रिश्चियन केज इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। जो बातें करते हुए यहाँ पर जंगल बॉय ने लुचासोरस को, जैसा कि मैंने कहा था, वैसी एक स्टील केज मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिसका जवाब देते हुए भी क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस की बिहाफ के ऊपर ये मैच एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज कह रहे थे कि लास्ट पेपर्व्यू की तरह इस पेपर्व्यू में भी जंगल बॉय अपनी मदर को रिंग साइड पर लाए, क्योंकि जंगल बॉय को मार खाता हुआ देख रहा। जंगल बॉय की मम्मी का चेहरा क्रिश्चियन केज को देखने के लिए काफी मजा आता है। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही और क्रिश्चियन केज के ऐसे कहते ही जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर लुचासोरस ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया और क्रिश्चियन केज ने रिंग के अंदर एक स्टील चेयर लगा दी और लुचासोरस ने जंगल बॉय के ऊपर उस स्टील चेयर के थ्रू एक चोक स्लैम लगा दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक स्टील केज मैच कंफर्म हो चुका है, तो फुल गियर पेपर्व्यू का ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइस, इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि लेक्सी बैक्स्टेज में डेथ ट्रायंगल का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर लेक्सी ने लुचा ब्रोस से कहा कि लुचा ब्रोस तो डबल चैंपियन नहीं बन पाए, तो बाकी लुचा ब्रोस के लिए क्या है। और इसका जवाब लुचा ब्रोस देने ही वाले थे कि यही पर बात करते हुए पाक ने कहा कि पाक लुचा ब्रोस को बताना चाहते हैं कि वो डबल चैंपियन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मौका का फायदा नहीं उठाया और अपने अपोनेंट के ऊपर चुपकी से हैमर से अटैक नहीं किया। पर पाक ये गलती दोबारा से नहीं करने वाले और पाक नहीं चाहते कि लुचा ब्रोस भी गलती करे। और पाक के हिसाब से लुचा ब्रोस को हर एक अपॉर्चुनिटी का मौका उठाना चाहिए और इसलिए पाक चाहते हैं कि लुचा ब्रोस आगे चलकर जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले तब चीटिंग कर अपने मैचेस जीते और वो चैंपियन बने। जो बातें कहकर पाक यहाँ चले गए और सरप्राइजिंगली पाक के पीछे लुचा ब्रोस भी चले गए। तो देखना पड़ेगा कि क्या लुचा ब्रोस पाक के तरह शॉर्टकट लेने की बातों को एग्री करते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर डांटे मार्टिन ब्रायन केज को फेस कर रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस, जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डांटे मार्टिन अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर अपने हाई फ्लाइंग स्टफ के जरिए ब्रायन केज के ऊपर अटैक कर रहे थे और ब्रायन केज के वीक टारगेट जैसे कि उनके पैर, इन चीजों को अटैक कर रहे थे। और डांटे मार्टिन अपनी इस टैक्टिक से इस मैच के अंदर काफी देर तक बने रहे और डांटे मार्टिन फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रायन केज के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर ब्रायन केज ने डांटे मार्टिन को कैच कर लिया। और इसके बाद जो ब्रायन केज ने डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक किया है वो अटैक इतना ब्रूटल था कि गाइस, हम कुछ कह नहीं सकते कि डांटे मार्टिन ने इतनी खतरनाक बीटिंग इससे पहले कभी खाई थी या नहीं। और ऐसे ही इस मैच के आखिर में डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि वेपन एक्स लगाकर ब्रायन केज ने डांटे मार्टिन को पिन कर दिया और ब्रायन केज ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस, ब्रायन केज इस टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुके हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर ब्रायन केज एकदम मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि ब्रायन केज का अगला मैच किसके खिलाफ होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर बैकस्टेज में लेक्सी फर्म के लिए मोरियाटी का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर बातें करते हुए ली मोरियाटी ने कहा कि माने कि ली मोरियाटी जॉन मॉक्सली को नहीं हरा पाए, पर ली मोरियाटी ने जॉन मॉक्सली खिलाफ के मैच के अंदर काफी सारी चीजें सीखी है और यहाँ पर ली मोरियाटी अब किसी भी चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए रेडी है। जो बात यहाँ पर ली मोरियाटी कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर हुक आ गए, जिनकी तरफ देखते हुए ली मोरियाटी उनकी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ देख रहे थे, पर हुक यहाँ चले गए, जिससे कि हमें हिंट्स मिल रहे हैं कि शायद हमें आगे ली मोरियाटी और हुक इनके बीच में FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है। तो देखना पड़ेगा कि मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके
बाद हमें रैम्पेज के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक पूरी तरीके से रिजेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक कह रहा था कि अब हाउस ऑफ ब्लैक एक नए लीडरशिप के अंडर है, तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है और हाउस ऑफ ब्लैक की इस विनेट के अंदर जो आखिरी में सिंबल दिखाया गया है इसका मतलब क्या है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर बैंडिटो अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर कम्पीट करने के लिए आते हुए दिखाई दिए। पर बैंडिटो के एंट्रेंस चलने के दौरान ही रूस ने बैंडिटो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच शुरू होने से पहले ही रूस ने बैंडिटो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिससे कि रूस को इस वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैच के अंदर एडवांटेज मिला और मोस्टली रूस ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया। पर गाइस जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे रूस और बैंडिटो इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स लगाए और ये दोनों ही सुपरस्टार्स फॉर्मर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार्स थे जो कि AEW कंपनी के शोज के ऊपर कम्पीट कर रहे थे। पर फिर भी इन्हें देखकर यहां पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के चैंट्स हो रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच रहा है। और बैंडिटो और रूस के हर एक मैच की तरह ही इस मैच के अंदर भी हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और इस मैच में कोई भी सुपरस्टार नीचे नहीं रह रहा था, जिससे कि इस मैच के आखिर में दोनों ही सुपरस्टार्स अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और इतने मैच के आखिर में होजे ने रूस को यह मैच जितवाने के लिए रूस की तरफ एक स्टील चेयर फेंक दी और रूस ने वो स्टील चेयर ले ली और रेफरी ये सब चीजें देख रही थी, तब पीछे होजे बैंडिटो का मास्क निकाल रहे थे जिससे कि बैंडिटो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन ये देखकर यहाँ पर डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर आ गए और होजे जॉन सिल्वर को रोकने के लिए गए, पर जॉन सिल्वर ने होजे के ऊपर अटैक कर दिया। और जब रूस ये सब चीजें देख रहे थे तब बैंडिटो ने पीछे से रूस को पिन कर दिया और उसको पिन कर बैंडिटो ने ये मैच जीत लिया है। और बैंडिटो इस टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुके हैं, जो रिजल्ट तो मेरे लिए काफी सरप्राइज था क्योंकि गाइस मुझे लग रहा था कि यहाँ पर रूस ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंडिटो ये मैच जीते हैं। तो देखना पड़ेगा क्या आगे बैंडिटो और रूस के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर दिखाया गया कि कैसे इस वीक का रैम्पेज शो शुरू होने से पहले बैकस्टेज में क्लूडियो कैसनोली और इनेपेकेट बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जेक हेगर आए थे और यहाँ पर क्लूडियो से बात करते हुए जेक हेगर कह रहे थे कि उन्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, वो काफी पुराने दोस्त थे और फिलहाल में क्लूडियो को लग रहा है कि फिलहाल में क्लूडियो एक रेस्लर है। पर क्लूडियो भूल रहे हैं कि स्पोर्ट्स एंटरटेनर होना कितना बढ़िया था, इसलिए जेक हेगर चाहते थे कि क्लूडियो दोबारा से स्पोर्ट्स एंटरटेनर बन जाए और जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी को ज्वाइन कर ले, जो बात यहाँ पर जेक हेगर ने कही। और बातें कहकर जेक हेगर यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि क्लूडियो क्या करते हैं, क्या वो रेसलर रहते हैं या फिर अपने पुराने दोस्त की तरह स्पोर्ट्स एंटरटेनर बन जाते हैं। पर इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर नायला रोज अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप एक लोकल टैलेंट के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी और उनका यहाँ पर मैच लोकल टैलेंट के खिलाफ हो रहा था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही नायला रोज ने लोकल टैलेंट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया। पर सरप्राइजिंगली नायला रोज ने मैच खत्म करते हुए अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बेस बॉम्ब ना लगाते हुए जेट कारगिल का फिनिशर यानी कि जेडेड लगा दिया और यहाँ पर अपने अपोनेंट को पिन कर नायला रोज ने ये मैच जीत लिया है और अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। पर ये देखकर जेट कारगिल बैडीज के साथ यहाँ पर आ गई, पर नायला रोज ने बैडीज के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन उतने में जेट कारगिल रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर जेट कारगिल और नायला रोज इनके बीच में एक फाइट हुई, जहाँ पर जेट कारगिल ने नायला रोज को रिंग के बाहर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के साथ और फिजिकल होते, यहाँ पर काफी सारे रेफरीज और सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन दोनों सुपरस्टार्स को सेपरेट कर लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जब फुल गियर पेपरव्यू के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी, ऑरेंज कैसिडी और ली जॉनसन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए ली जॉनसन ने कहा कि ली जॉनसन फाइनली फैक्ट्री के साथ आ चुके हैं और ली जॉनसन फैक्ट्री को उनकी पहली चैंपियनशिप दिलाने वाले हैं और वो भी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप होगी, जिसके जवाब में सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी ने मार्क हेनरी की लाइन यानी कि इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट कही और ऑरेंज कैसिडी यहां पर मेन इवेंट के लिए चल पड़े, जो देखा जाए तो फिर एक बार एक काफी हिलेरियस मोमेंट थी। पर इसके बाद AEW कंपनी ने अपने अगले रैम्पेज शो और अपने अगले पेपरव्यू के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए हैं, जो कौन से है जानने के लिए हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं, तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी या फिर WWE कंपनी के सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं, तो ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर से भी मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था स्पीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप चैलेंजर ली जॉनसन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ऑरेंज कैसिडी इस मैच के अंदर अपने एजिलिटी का फायदा उठाकर इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और ऑरेंज कैसिडी और ली जॉनसन दोनों एक तरीके की सुपरस्टार है, इसलिए इस मैच के अंदर हमें शुरुआत में ही काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला,
पर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर यहाँ पर फैक्ट्री ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दिया, जिससे कि ली जॉनसन इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। पर ली जॉनसन का एक कमबैक ज्यादा देर तक नहीं चला और कैसिडी दोबारा इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर फिर एक बार यहाँ पर फैक्ट्री इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गई, पर इस बार बेस्ट फ्रेंड्स ने फैक्ट्री को टेक डाउन किया, जिसके बाद हमें रिंग के अंदर ली जॉनसन और ऑरेंज कैसिडी इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिला। और इसी सीक्वेंस में आउट ऑफ नोवेयर ऑरेंज कैसिडी ली जॉनसन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बीच ब्रेक लगा दिया और ली जॉनसन को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक ठीक ठाक सा मैच था। पर गाइज ऑरेंज कैसिडी के मैच जीतने के बाद फैक्ट्री के कोल कार्टर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करने के लिए आए, पर ऑरेंज कैसिडी ने कोल कार्टर के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगा दिया और इनके अंदर ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ गले मिल रहे थे। लेकिन इतने में क्यूटी मार्शल रिंग के अंदर आ रहे थे, पर बेस्ट फ्रेंड्स का नंबर्स एडवांटेज देखकर क्यूटी मार्शल यहाँ चले गए, लेकिन कोल कार्टर रिंग के अंदर फंस गए, जहाँ पर सरप्राइजिंगली बेस्ट फ्रेंड्स ने कोल कार्टर के साथ मिलकर उन्हें एक हग किया, जो देखकर कोल कार्टर काफी सरप्राइज थे। लेकिन इतने में बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी मिलकर कोल कार्टर के ऊपर अपना ट्रिपल फिनिशर लगा दिया और फाइनली ऑरेंज कैसिडी ने स्टैंड टॉल किया और इसी वीक का रैम्पेज शो ऑफ ए चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा रैम्पेज शो था। पर गाइस अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का रैम्पेज शो फुल ईयर पेपरी के पहले का आखिरी रैम्पेज शो होता है। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?